मुसीबतों से लड़ रही चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान रविंद्र जडेजा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने जानकारी देते हुए बताया कि रविंद्र जडेजा चोट के कारण बाहर हुए हैं। आरसीबी के खिलाफ खेलते हुए जडेजा चोटिल हुए थे, यही कारण है कि वो अगले मैच में दिल्ली के खिलाफ नहीं खेल पाए थे। जानकारी के मुताबिक रविंद्र जडेजा को बैंगलोर के खिलाफ खेले गए मैच में 4 मई को फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। रविंद्र जडेजा का ये चोट केस लेने के दौरान हुआ था, इसके बाद से ही वो मैच नहीं खेल पाए। टीम की तरफ से बताया गया कि जडेजा की पसलियों में चोट लगी है। पीटीआई के मुताबिक जडेजा के बाहर होने की पुष्टि चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथ ने की है। आईपीएल के 15वें सीजन शुरू होने से पहले जडेजा को सीएसके का कप्तान घोषित किया गया था। जडेजा की कप्तानी में सीएसके को लगातार कई मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा, हालांकि बाद में जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी सौंप दी थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या आने वाले मैचेस में सीएसके जडेजा के बिना जीत सकती है? आप कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।